तो आइए आज हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट में कुछ आगे की तरफ देखते हैं मायोकार्डियल वाल की थिकनेस और उसका फंक्शन। चेम्बर्स का जो थिकनेस होता है जैसे एट्रियम या वेंट्रिकुलर डिपेंड्स करता है उसके फंक्शन पे। जैसे वेंट्रिकल्स ज्यादा थिकर है एट्रिया के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं वेंट्रिकल्स की, थोड़ा सा थिक होगा एज कंपेयर टू एट्रियल्स। तो दोनों वेंट्रिकल्स एट्रिया से थिकर है क्योंकि वेंट्रिकल्स का काम है हार्ट को पंप करना और ज्यादा दूरी तक पहुंचाना एज कंपेयर टू एट्रिया। एट्रिया का जब पंप होगा तो ब्लड एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल ही तक ही जाएगा। तो एट्रियम का जो वाल होता है मायोकार्डियल वाल वो थोड़ा सा पतला होता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का वाल थोड़ा थिक होगा। अब बात करते हैं दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में कि राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। फंक्शन यही होगा दोनों का कि दोनों की दूरी क्या है। सपोज कीजिए हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल्स की, तो राइट वेंट्रिकल्स का जो ल्यूमेन, ल्यूमेन कहते हैं अंदर वाले हिस्से को। जैसे हम कभी पाइप को कंसिडरेशन करें, एक सिंपल सा प्लास्टिक का पाइप, तो अंदर वाला जो भाग होता है अंदरी भाग उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो राइट वेंट्रिकल्स का ल्यूमेन ये देखेंगे तो क्रेसेंट शेप जगह दिखेगा, थोड़ा सा आधा चंद्रमा जैसा या चाप जैसा वर्क दिखेगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ल्यूमेन थोड़ा गोल दिखेगा, ज्यादा आपको राउंड अप शेप थोड़ा दिखेगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। अब थिकनेस की बात की जाती है कि मायोकार्डियल वाल किसका ज्यादा थिक। तो फोटो में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ट्रांसवर्स प्लान का सेक्शन लिया है जिसमें हमने देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है बहुत ज्यादा थिक है, बहुत ज्यादा मोटा है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल का वॉल। आखिर ऐसा क्यों? तो दोनों में हमने डिफरेंसेस देखे, तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो जानिए फंक्शन क्या है दोनों का। पेरीमीटर राइट वेंट्रिकल का क्रेसेंट शेप का होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का रफली सर्कुलर होता है। ये हमने देखा कि एक का क्रेसेंट शेप का और एक का रफली सर्कुलर गोल जैसा दिखेगा। वॉल्यूम ऑफ ब्लड दोनों में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड आता है। जितना राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है उतना ही लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, लेकिन वर्कलोड दोनों का अलग अलग है। राइट वेंट्रिकल का वर्कलोड कम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। क्यों? आगे देखते हैं इसका कारण क्या होता है। क्योंकि पंप को जब हम ब्लड को पंप करते हैं तो राइट वेंट्रिकल का क्या काम है कि सिर्फ लंग्स तक ही ब्लड को पंप करना है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो यहां पंप करने की कैपेसिटी वर्कलोड को दर्शाता है कि पंप कहां तक ब्लड को करता है। एक लंग्स तक कर रहा है राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स पूरे बॉडी को पंप कर रहा है, इसी कारण से थोड़ा सा थिकनेस दिखेगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वाल में। हालांकि कुछ और भी कारण है इसके जो देखते हैं। पहले रेसिस्टेंस ऑफ ब्लड फ्लो, इसमें लो रेसिस्टेंस होता है, दूरी कम है, लंग्स तक ही ब्लड को फ्लो करना है तो रेसिस्टेंस काफी लो है, तो थोड़ा सा भी पंप करेगा तो लंग्स तक पहुंच जाएगा और रास्ते में रेसिस्टेंस भी कम आता है इसमें। जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराना है। हमने देखा था एक चीजों में कि लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक ब्लड वेसल्स में ब्लड को सर्कुलेट करता है, तो उससे कुछ कम करेगा 1,00,000 से, क्योंकि कुछ हिस्सा तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को सर्कुलेट करेगा और कुछ हिस्सा जो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल लगभग पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करेगा तो काफी ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा इसको ब्लड फ्लो में। तो राइट वेंट्रिकल लो प्रेशर में ही ब्लड को पंप करेगा तो काम चल जाता है,
लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल को हाई प्रेशर में ब्लड को पंप करना पड़ेगा ताकि ब्लड फ्लो जितना राइट वेंट्रिकल मेंटेन करता है ब्लड फ्लो, मतलब राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड की जो धार है, उतने धार बराबर करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर करने के कारण वो उतना ही फ्लो मेंटेन करेगा जितना कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है जिस फ्लो में, जिस धार में। तो ब्लड फ्लो दोनों का सेम रहता है, इसी कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल का वाल्स थोड़ा मोटा होगा और राइट वेंट्रिकल्स का वाल थोड़ा पतला होगा। तो यहां हमने कहा देखा कि दोनों के फंक्शंस के आधार पे हमने राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के वाल्स की चर्चा की। तो यहां हम देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स का वाल थोड़ा मोटा है क्योंकि इसको वर्कलोड ज्यादा है, ज्यादा रेसिस्टेंस हो रहे हैं, लंबी दूरी तय करानी है और ब्लड फ्लो उतना ही मेंटेन करना जितना कि राइट वेंट्रिकल्स का होता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जितना फ्लो में निकलता है उतने ही फ्लो में यहां से भी निकलना चाहिए, तो ज्यादा प्रेशर से हम मेंटेन करेंगे। ज्यादा प्रेशर, यदि हल्का प्रेशर होगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं होगा दोनों साइड में। तो जितने तेजी से ब्लड राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है उतने ही तेजी से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से भी निकलना चाहिए, तो ब्लड फ्लो जो है दोनों का मेंटेन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फाइब्रस स्केलेटन की, सॉरी बात करेंगे फाइब्रस स्केलेटन की। फाइब्रस स्केलेटन नाम से पता चलता है कि ये फाइब्रस स्केलेटन डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये वाल्व्स को सराउंड करेगा, चारों तरफ वाल्व्स के रहेगा, फ्यूज करेगा एक वाल्व को दूसरे से और मर्ज होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में। इसका काम है कि वाल्व्स को ओवर स्टेज होने से रोकना ताकि ब्लड पास हो सके अच्छे तरीके से वाल्व को। वाल्व यदि ओवर स्टेज हो जाएगा तो ब्लड का पासिंग थोड़ा अफेक्टेड पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा और फॉर्म करेगा फाउंडेशंस हार्ट वाल्व के लिए ताकि हार्ट वाल्व अटैच हो अपनी जगह पे, और एज ए पॉइंट ऑफ इंसर्टन फोटोकार्डिक मसल बंडल के लिए भी यूज होता है। तो देखते हैं पीछे जाकर बैक में, हम लोग यहां पर चार वाल्व दिखाए गए। दो वाल्व जो है वो सेमी लूनर वाल्व है, एक पल्मोनरी वाल्व ये भी सेमी लूनर है, और एक है एओरोटिक वाल्व ये भी सेमी लूनर वाल्व है, जबकि दो वाल्व एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है। पहले वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि राइट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड में जो एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। तो दोनों के देखेंगे स्ट्रक्चर की फाइब्रस स्केलेटन कहां पर। सबसे पहले देखेंगे वाल्व्स के चारों तरफ ये जो कोना बना हुआ है, ये बना हुआ है फाइब्रस रिंग का, चाहे वो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर फाइब्रस रिंग हो जो कि लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, या राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, उसके चारों तरफ एक फाइब्रस रिंग बना हुआ है। ये इंसुलेटर का काम भी करता है, वाल्व को अपनी जगह पे तो बना के रखता ही है, एक फाउंडेशन है ताकि वाल्व हिले नहीं, ओवर स्ट्रेच ना हो। लेकिन देखेंगे इन दोनों के बीच में भी फाइब्रस ट्राइगोन है, यहां देखेंगे राइट पोजिशन में और ये देखेंगे लेफ्ट पोजिशन में, दोनों साइड में है, राइट पोजीशन में भी है और लेफ्ट पोजीशन में। तो ये देखेंगे हर एक वाल्व के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में देखते हैं हम लोग। और यहां देखेंगे तो एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व्स के बीच में भी कोनस टेंडन है, ये भी फाइब्रस स्केलेटन है। तो फाइब्रस स्केलेटन दो वाल्व्स के बीच में होता है, इसका कारण है इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक इंसुलेटर का मतलब कि करंट यदि एक वाल्व को ओपन कर रहा है तो वो करंट दूसरे वाल्व तक ना जाए। तो यदि दूसरे वाल्व तक ये जाता है, मान लो एट्रिया को ये इलेक्ट्रिकल करंट यहां पे पहुंचता है, तो ये करंट फिर एरोटिक वाल्व को क्यों नहीं ओपन करता उस वक्त। हम जानते हैं कि एक बार में सेमी लूनार वाल्व दोनों एक बार में ओपन होता है, तो उस वक्त दोनों एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होता है। हालांकि यहां पर
हम एक समझने के लिए दिखा रहे हैं कि चारों वाल्व क्लोज है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि दो वाल्व ओपन होंगे, मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व में आएंगे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि ये एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में होते हैं। जबकि हम देखेंगे सेमी लुनार वाल्व जो है वो क्लोज होंगे तो ये ओपन होंगे, ये ओपन होंगे मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व दोनों एक साथ ओपन होंगे तो एक साथ सेमी लुनार वाल्व क्लोज रहेंगे, और जब सेमी लुनार वाल्व ओपन होंगे उस वक्त एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो क्लोज होंगे, तो एक साथ में चारों वाल्व्स ओपन नहीं होते, तो बीच में जो इंसुलेटर का काम करता है वो होता है फाइब्रस एस्केलेटर, जो करंट को एक वाल्व से दूसरे वाल्व में जाने से रोकता है। एक खास टनल के थ्रू, एक खास फाइबर के थ्रू, जिसे हम कहते हैं ऑटोरिथमिक फाइबर, उस फाइबर के माध्यम से, परकिंजी फाइबर्स के माध्यम से करंट जो है एक वाल्व से दूसरे वाल्व तक पहुंचता है। तो उस फाइबर की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इन दोनों में यदि एक वाल्व में करंट पहुंचा है तो दूसरे वाल्व में वो करंट नहीं पहुंचना चाहिए, ताकि चारों वाल्व एक साथ ओपन ना हो सके। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का भी ये काम करता है फाइब्रस एस्केलेटर, सबसे बड़ा काम है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। उसके बाद है वाल्व को अपने जगह पे बनाए रखने के लिए, वाल्व को ओवर स्ट्रेच ना करने के लिए, और ये फिर देखेंगे कि दोनों ये जो फाइब्रस एस्केलेटन है इंटर वर्टिब्रल सेप्टम में ये जाके मर्ज हो जाते हैं, तो इनका काम होगा ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हर्ट वाल्व को रोकना, और सबसे बड़ा काम है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का। बाकी फाउंडेशंस का काम करती है हर्ट वाल्व को अपनी जगह पे बनाए कर रखती है। तो फाइब्रस एस्केलेटन के बाद हम बात करते हैं हर्ट वाल्व के। मुख्य रूप से चार तरह का हर्ट वाल्व देखा जाता है, जैसे कि हमने अभी चर्चा भी किया, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो दो होते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स और लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। जो हमने देखा राइट में जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और लेफ्ट में जो है उसे हम बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। वैसे सेमी लुनार वाल्व भी है राइट और लेफ्ट सेमी लुनार वाल्व्स, जिसे हमने अभी भी चर्चा किया। यहां आप देख सकते हैं कि राइट पोजिशन में दो वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, ये एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है, और राइट पोजिशन में सेमी लुनर वाल्व भी है, इस सेमी लुनर वाल्व का नाम है एओरेटिक सेमी लुनर वाल्व, सॉरी पल्मोनरी सेमी लुनर वाल्व, जो राइट पोजिशन में होता है। उस तरह से देखते हैं लेफ्ट में माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व एक एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, जबकि सेमिनुलर बात की जाए लेफ्ट साइड में तो वो होगा एओरेटिक सेमिनुलर वाल्व, जो कि लेफ्ट साइड में पाया जाता है। आप यहां देख सकते हैं वाल्व्स के स्ट्रक्चर को फिर से, ये ओपन होता है तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिशप हेड की तरह दिखता है, जिसे हम माइट्रल भी कहते हैं, बिशप का हेड, बिशप का मतलब पादरी में एक ऊपर की उपाधि होती है चर्च में, तो उसके हेड की तरह दिखता है, ओपन होता है तो ये स्ट्रक्चर, ये क्लोज स्ट्रक्चर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हार्ट वाल्व का ओपन और ब्लड सर्कुलेशन दोनों को साथ में स्टडी करते हैं। यहाँ देखिए ये फिगर साफ साफ बताता है कि जब आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, जिसमें ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आता है, ट्राइकस्पिड होता है राइट साइड में और बाइकस्पिड होता है लेफ्ट साइड में, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब ओपन होता है उस वक्त में, हम यदि ध्यान से देखें तो सेमी लुनार वाल्व दोनों क्लोज है। ऐसा इसलिए हुआ कि बीच में एक फाइब्रस एस्केलेटन है जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का काम करता है, यहां पे भी है और इस जगह भी है फाइब्रस एस्केलेटन, इसके साथ साथ वाल्व्स के चारों तरफ भी फाइब्रस का एक रिंग होता है जो कि इंसुलेटर का काम करता है। दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे कि जब दोनों वाल्व्स, मतलब कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स जिसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज है, उस वक्त
सेमी नुलर वाल्व जिसमें आएगा क्रमशः पल्मोनरी वाल्व्स और एओरोटिक वाल्व्स दोनों एक साथ ओपन है। तो वन सेट ऑफ वाल्व हो कहेंगे ओपन होगा और दूसरा सेट ऑफ वाल्व क्लोज होगा। वन सेट ऑफ वाल्व कहने मतलब या तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ओपन हो दोनों और सेमी लूनर दोनों ऑफ हो, या सेमी लूनर दोनों ओपन हो और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दोनों क्लोज हो। तो सेमी लूनर और एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स को हमने चर्चा किया कहाँ लोकेट होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं राइट। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स ट्राइकस्पिड होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स बाइकस्पिड होता है। ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स टू द एट्रियम। तो जब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट में, तो ये वाल्व वेंट्रिकल से में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि ये वाल्व क्लोज हो जाएगा इस प्रेशर की वजह से, चाहे वो ट्राइकस्पिड हो चाहे वो बाइकस्पिड हो, ताकि वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो फिर से एट्रियम में ना जा पाए दोनों वेंट्रिकल्स का। तो यहाँ पे जो वाल्व है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ये ट्राइकस्पिड है, ये क्लोज हो जाता है ब्रेक फ्लो ना हो, प्रिवेंशन करे ब्रेक फ्लो को। तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकल से ब्लड निकल के कहाँ जाएंगे, वो जाएगा पल्मोनरी ट्रंक्स में, यदि हम बात करें राइट वेंट्रिकल से तो पल्मोनरी ट्रंक्स में, और यदि लेफ्ट वेंट्रिकल्स की बात की जाए तो वो जाएगा एरोटा में। तो ये ब्रेक फ्लो ना हो, फिर से कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये ना हो कि कुछ ब्लड वापस चला जाए एट्रियम में, इसको रोकने के लिए यहाँ पे वाल्व्स होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं जी, और उस वक्त ये ओपन हो जाएंगे। जब ये क्लोज होंगे उसी वक्त ये ओपन होते हैं ताकि ब्लड का फ्लो डायरेक्शन जो है वो हार्ट के बाहर जा सके। तो एक चीज और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से ब्लड आते हैं जी, वहां पे कोई वाल्व नहीं होता है। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो बैक ना हो जाए, क्या सुपीरियर वेना केवा में वापस ना जाए, इन्फीरियर वेना केवा वापस ना जाए या कोरोनरी साइनस में वापस ना जाए, इसके लिए, या फिर हम राइट एट्रियम में बात करें तो राइट एट्रियम में यदि कॉन्ट्रैक्शन हो तो ब्लड जाता है कहां पे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। तो ब्लड का फ्लो वेंस में ना हो, जैसे हम बात करते हैं लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम में जो वेंस है वो है लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। तो इस पल्मोनरी वेंस में ब्लड का फ्लो वापस ना जाए, इसके लिए क्या होता है, इसमें मसल्स है, ये मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है इस दीवार के पास, जहां जहां ओपनिंग है इस ओपनिंग में मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस ओपनिंग को क्लोज करता है, जैसे सुपीरियर वेना केवा का ओपनिंग हो गया या इन्फीरियर वेना केवा का ओपनिंग यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे में, हालांकि फोटो में अच्छी तरीके से नहीं आया, या कोरोनरी साइनस का ओपनिंग है, ये जितने भी ओपनिंग है जहां से वेंस का ब्लड, वेंस से ब्लड आता है एट्रियम में, वो क्लोज होता है बिना वाल्व की वजह से। वाल्व यहाँ पे नहीं होते, वाल्व की जरूरत नहीं होती है। ये क्लोज होता है कैसे, ये क्लोज होता है इसमें प्रेजेंस मसल्स के कारण, तो मसल्स क्लोज होते हैं। तो ये ध्यान देने की वाली बात है कि एट्रिया में बैक फ्लो को रोकने के लिए कोई वाल्व नहीं होता है, ठीक है, चार ही वाल्व होता है यहाँ पर, ट्राइकस्पिड वाल्व जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, और सेमी लूनर वाल्व जिसमें पल्मोनरी और एओरोटिक सेमी लूनर वाल्व्स होते हैं, चार वाल्व्स होते हैं। लेकिन बैक फ्लो एरोटिक से फिर एट्रियम से बैक फ्लो ना हो ब्लड का, उसके लिए कोई वाल्व्स नहीं है, चाहे राइट एट्रियम की बात की जाए चाहे लेफ्ट एट्रियम की बात की जाए। तो वेंस में ब्लड वापस ना जाए तो इसके लिए मसल्स ही हैं एट्रियम के, तो एट्रियम मसल्स में ही कॉन्ट्रैक्शन होता है और इस ओपनिंग को वो क्लोज करता है। थोड़ा बहुत अमाउंट जा सकता है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, या इस साइड में देखे तो पल्मोनरी वेंस में थोड़ा बहुत अमाउंट बैक फ्लो हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं जा पाता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं एट्रियम के, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो वाल्व्स वहां पे नहीं होते। अब बात करते हैं कि डैमेज यदि हो जाए एट्रियोवेंट्रिकल्स वाल्व्स में, या फिर कॉर्डाइट टेंडिनी में यदि वाल्व्स होता है, तो ब्लड रिगर्डिटेशंस हो सकते हैं,
मतलब बैक ब्लड फ्लो होगा वेंट्रिकल से एट्रियम में। यदि एट्रियो वेंट्रिकल्स वाल्व डैमेज हो जाए या फिर कॉर्डाई टेंडिनाई जो हमने चर्चा किया था वो डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्डाई टेंडिनाई को, ये पेपिलरी मसल्स है और इसके बीच में हो गया आपका कॉर्डाई टेंडिनाई। अब देखते हैं कि एट्रियो वेंट्रिकल्स वाल्व में ब्लड का फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले एट्रिया जो है इसमें प्रेशर हाई होगा एज कंपेयर टू वेंट्रिकल का प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर हाई हो गया तो ब्लड फ्लो करेगा एट्रिया से वेंट्रिकल्स में, ब्लड मूव फ्रॉम एट्रिया इन टू वेंट्रिकल्स, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो हुआ वेंट्रिकल्स में। तो उस वक्त क्या होगा, जैसे ही फ्लो हुआ ब्लड का तो फ्लो होगा तो देखते हैं पोजिशन, पेपिलरी मसल्स रिलैक्स होगा उस वक्त। और जब हम बात करें आपके कॉर्डाई टेंडिनाई के तो वो स्लेक पोजीशन में होगा, ठीक है जी, वो स्लेक पोजीशन होगा। अब हम देखते हैं फिर वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का फ्लो जैसे ही पीछे होगा तो यहाँ पे कस्प के कारण कस्प में ब्लड फलेगा और ये वाल्व जो है क्लोज हो जाएगा बैक फ्लो प्रोसेस के कारण। तो ब्लड ड्राइव करेगा कस्प को, यहाँ देखिए कि बाइकस्पिड में दो कस्प है, ब्लड का फ्लो दिखाया गया ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है तो ये कस्प भरेगा और वाल्व को ये क्लोज कर देगा। यहाँ देखेंगे पेपिलरी मसल्स में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है और कॉर्डाई टेंडिनी टॉट दिखेगा थोड़ा सा। यहाँ पे एक साइड में हमने देखा कि एट्रियो वेंट्रिकल्स मसल्स में या एट्रियो वेंट्रिकल्स वाल्व्स में किस तरह से वर्किंग करता है वो भी हम देख सकते हैं। यहाँ हम और भी बाकी चीजें देखने के लिए आगे पढ़ते हैं सेमी लूनर वाल्व्स का। लूनर का मतलब मून लाइक स्ट्रक्चर, दो वाल्व्स होता है पल्मोनरी वाल्व्स और एरोटिक वाल्व्स। इसका काम है इजेक्शन ऑफ ब्लड करना हार्ट से आर्टरी में। तो हम देखेंगे यहाँ पर हार्ट से जैसे वेंट्रिकल से आर्टरी में इजेक्शन करना काम होता है कि बैक फ्लो ना हो आर्टरी से फिर हार्ट में। यहाँ पे देखेंगे बैक फ्लो होता है वेंट्रिकल्स में, चाहे ये बात करते हैं ये है पल्मोनरी वाल्व और यहाँ पे एरोटिक वाल्व दिखेगा आपको। तो ये दोनों वाल्व्स का काम है कि बैक फ्लो रोकना ब्लड को वेंट्रिकल्स में और इजेक्ट करना ब्लड को हार्ट से आर्टरी की तरफ। तो सेमिलूनर वाल्व्स तीन क्रिसेंट मून शेप कस्प का बना होता है, हमने पीछे स्ट्रक्चर भी देखा हुआ था, ये देखिए ये तीन शेप मिला हुआ है, कस्प स्ट्रक्चर है सेमिलूनर वाल्व्स। दिस इज मेड ऑफ द थ्री क्रिसेंट मून शेप कस्प और हरेक कस्प में अटैच होता है आर्टरी बाय इट्स कॉन्वेक्स आउटर मार्जिन में। फ्री बॉर्डर ऑफ कस्प प्रोजेक्टेड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी, जो इसका फ्री बॉर्डर होता है वो ल्यूमन ऑफ आर्टरी में प्रोजेक्शन करता है। तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर देखा। सेमिलूनर वाल्व में देखेंगे सबसे पहले वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होगा, हम देखेंगे वेंट्रिकल्स में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेमिलूनर वाल्व ओपन होगा और प्रेशर एक्सीड करेगा वेंट्रिकल्स का आर्टरी से ज्यादा, मतलब वेंट्रिकल्स में ज्यादा प्रेशर होगा आर्टरी से कंपेरिजन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है धीरे धीरे इसमें, इस वाल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, प्रेशर बढ़ता चला गया बढ़ता चला गया। जब प्रेशर इस आर्टरी से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, ब्लड इजेक्ट करेगा पल्मोनरी ट्रंक से और एरोटा में। यहां देखेंगे कि राइट साइड में जो वेंट्रिकल्स है वो इजेक्ट करेगा पल्मोनरी ट्रंक में और लेफ्ट साइड का जो है वेंट्रिकल्स वो इजेक्ट करेगा एरोटा में। दोनों का अलग अलग है। फिर वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, बैक फ्लो होगा, ब्लड फिल करेगा कस्प को और सेमिलूनर वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जब बैक फ्लो होता है प्रेशर यदि कम होगा तो ब्लड का बैक फ्लो स्टार्ट होगा, लेकिन ये जो कस्प है ये भरता रहेगा ब्लड से और इस कारण से वाल्व क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ फिर से हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे ये सेमिलूनर वाल्व्स जो है ये भरेगा और जैसे ही ये भर जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर ही वैसे दिया हुआ है कि जैसे ही इसमें ब्लड भरने लगेगा ये क्लोज हो जाएगा, तो सेमिनुलर वाल्व क्लोज हो जाए। अब हम देखते हैं हार्ट वाल्व डिसऑर्डर का, जिसमें हम बात करेंगे
स्टेनोसिस के बारे में, इनसफिशियंसी के बारे में, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा विश्राम।